तो टुडे सेशन, आज का इस लाइव सेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी इन 21 डेज चैलेंज फॉर 21 सक्सेसफुल पीपल 21 बायोग्राफ। थैंक यू सो मच, थैंक यू। एंड आज की जो बायोग्राफी है बहुत ही इंस्पिरेशनल है और बहुत ही अलग है, क्योंकि आज की जो बायोग्राफी है यहाँ से भी हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो अगर आपको यहाँ पर अगर आपको मेरी आवाज ठीक से सुन पा रही है तो आप मुझे बता दीजिए कि आप मेरी आवाज को सुन पा रहे हैं। आप अगर मेरी आवाज को सुन पा रहे हैं तो आप जरूर मुझे चैट में लिख दीजिए। आप अगर आवाज को सुन पा रहे हैं तो चैट में लिख दीजिए। थैंक यू यस 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 थैंक यू, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप जरूर लिख दीजिए चैट बॉक्स में। थैंक यू। तो आज की जो बायोग्राफी है बहुत ही दिलचस्प है और बहुत ही इंस्पिरेशनल है, क्योंकि और एक डिस्क्लेमर मैं यहाँ पर देना चाहता हूँ हर एक बायोग्राफी में और सभी बायोग्राफी के लिए भी है। अगर मैं किसी भी बायोग्राफी में डिस्क्लेमर नहीं दे पाया हूँ तो आप इस डिस्क्लेमर को हर एक बायोग्राफी के लिए समझिए। मैं सारी की सारी बायोग्राफी रिसर्च के द्वारा लेकर आता हूँ। वो रिसर्च इंटरनेट मीडिया, बुक मीडिया, सभी मीडियाओं से है, अलग अलग मीडियाओं से। तो हो सकता है कहीं मैं कुछ किसी भी बायोग्राफी में त्रुटि कर सकता हूँ। ये बायोग्राफी मैं सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए यूज करता हूँ, अपने चैनल के ऊपर शेयर करता हूँ। यहाँ पर कोई भी किसी को मान या सम्मान, किसी को नीचा गिराना या ऐसी कोई भी मेरा इंटेंशन नहीं है। तो अगर कोई भी मेरे से गलती हो जाती है बायोग्राफी बोलने में तो उसके लिए मुझे क्षमा कर दीजिए, क्योंकि मैं भी सीख रहा हूँ और मैं शेयर करता हूँ, जिससे जैसे मैं इंस्पायर होता हूँ ऐसे दूसरे लोग भी इंस्पायर हों, जो अपने टैलेंट को उभारना चाहते हैं, अपनी कला को निखारना चाहते हैं। ऐसी इंस्पिरेशनल स्टोरी और बायोग्राफी मैं लेकर आता हूँ हमारे चैनल पर। तो आप सभी से मैं चाहूँगा कि आप इस चीज़ को समझें और यहाँ पर किसी भी मान या सम्मान या किसी को नीचा गिराने, किसी को कुछ भी ऐसा करने का कोई मेरा इंटेंशन नहीं है। तो थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी इन लाइव सेशन। और ये 21 बायोग्राफी मैं लेकर आता हूँ 21 सक्सेसफुल लोगों की। यहाँ पर हम देखते हैं कि एक एक सक्सेसफुल लोग एक एक फेलियर को पार करके आते हैं, और ऐसे तो बहुत सारे फेलियर होते हैं और ज्यादातर जो फेलियर्स होते हैं वो हम सबके कॉमन ही होते हैं। क्योंकि जब भी हम कोई काम करना चाहते हैं तो हम प्रोक्रास्टिनेशन की वजह से या उस काम को दिलचस्पी से ना करते हुए हम अगर करते हैं तो उसे हम नहीं कर पाते, और उसमें कहीं ना कहीं ऐसा मोड़ आता है जहां हम रुक जाते हैं। तो ऐसी ही चीजों से जो हम जूझते रहते हैं उनसे हमें थोड़ा सा इंस्पिरेशन मिलता है, हम इंस्पायर होते हैं, जिसकी वजह से हम उस काम को कर पाते हैं। तो अगर मन में हो कुछ गुजरने का, तो कुछ कर गुजरने का, तो फिर फर्श से अर्श तक की कहानी देखिए और कैसे इस सफर को तय किया जाता है, कैसे तय किया है। और वो है दिलीप चांगी, जो इस बात के जीते जागते उदाहरण है, सन फार्मा के संस्थापक और एमडी दिलीप सांघवी। तो दिलीप सांघवी के पिता कलकत्ता में दवाओं के थोक व्यापारी थे। इस थोक के व्यापार को दिलीप ने अपनी कड़ी मेहनत और लगन से भारत की सबसे बड़ी फार्मा कंपनी बना दिया। फार्मा कंपनी के रूप में उभार के लेके आए और सन फार्मास्यूटिकल के संस्थापक और एमडी बने। इनकी नेटवर्थ 1,32,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा है। तो दिलीप सांघवी भारत की सबसे बड़ी और दुनिया की पांचवी सबसे बड़ी फार्मा सन फार्मास्यूटिकल के संस्थापक और एमडी हैं। इनका जन्म 1 अक्टूबर 1955 को गुजरात के अमरेली में हुआ था। इनके पिता का नाम शांतिलाल सांघवी और माता का नाम कुमुद सांघवी है। दिलीप के पिता कलकत्ता में जेनरिक दवाओं के थोक व्यापारी थे। दिलीप की स्कूली शिक्षा कलकत्ता में ही हुई थी। इसके बाद उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से कॉमर्स में ग्रेजुएशन किया। ऐसे हुई सन फार्मा की शुरुआत।
आइए देखते हैं किस तरीके से उन्होंने सन फार्मा की शुरुआत की और दिलीप ने अपने पिता के दवाओं के बिजनेस में काम करना शुरू किया। उसके बाद दिलीप मुंबई आ गए और वहां कुछ समय तक मनोचिकित्सा की दवाओं की मार्केटिंग का काम किया। तब उनके मन में ख्याल आया कि दूसरों की दवाई बेचने से अच्छा है खुद की दवाई बनाएं। 1983 में दिलीप ने अपने पिता से 10,000 रुपये लेकर गुजरात के वापी में एक छोटी सी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की शुरुआत की और इसका नाम सन फार्मास्यूटिकल रखा। इस यूनिट में वे मनोचिकित्सा से जुड़ी दवाएं बनाते थे। सन फार्मा एक बड़ी कंपनी बनी जो भारत की सबसे बड़ी कंपनी। शुरुआत में सन फार्मास्यूटिकल में सिर्फ दो कर्मचारी थे। ये दो कर्मचारी दवाओं की मार्केटिंग और डिस्ट्रीब्यूशन का काम करते थे। अपनी कड़ी मेहनत और लगन से दिलीप ने 4 साल में ही सन फार्मास्यूटिकल को पूरे देश में फैला दिया। 1997 में सन फार्मा ने अमेरिकी कंपनी कार्को फार्माओ का अधिग्रहण किया। सन फार्मा लगातार तरक्की कर रही थी। 2007 में इसराइल की टेरो फार्मा का अधिग्रहण किया। 2014 में 25,237 करोड़ रुपए ने रैंक बैंक्सी का अधिग्रहण करने के बाद रैनबैक्सी का अधिग्रहण करने के बाद सन फार्मा भारत की सबसे बड़ी और दुनिया की पांचवी सबसे बड़ी कंपनी फार्मा कंपनी बन गई। सन फार्मा ने सामान्य दवाओं के स्थान पर लंबी और असाध्य बीमारों की दवाई बनाने पर अपना ध्यान दिया। आज दिलीप सांघवी की नेटवर्थ 1,40,000 करोड़ रुपए से भी अधिक है। 2016 में भारत सरकार ने दिलीप सांघवी को पद्मश्री से सम्मानित किया। 2018 में इन्हें आरबीआई के 21 सदस्यीय केंद्रीय बोर्ड में नियुक्त किया गया। इसके अलावा दिलीप आईआईटी बॉम्बे के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के अध्यक्ष भी हैं। दिलीप भारत के युवाओं के लिए एक आदर्श बन चुके हैं। युवा इनसे ये सीख रहे हैं कि कैसे एक व्यक्ति अपनी लगन और मेहनत के दम पर सफलता प्राप्त कर सकता है। तो दिलीप सांघवी, इनके पास विज्ञान की कोई ऐसी डिग्री ना होने के बावजूद भी इनका लक्ष्य था कि एक एक रोज दवा के कारोबार में ये अपनी पहचान भारत में बनाकर ही चलने लगे, जो कि आज हम सबके सामने है। वो कहते हैं ना कि हर इंसान कामयाबी की बुलंदियों तक पहुंचना चाहता है, पर चंद लोग अपनी मेहनत के बुलबुले ऐसा संभव कर सकते हैं, अपनी मेहनत के बलबूते पर ऐसा संभव कर पाते हैं। इस संसार में आए हुए हर एक प्राणी को अपने हक और कामयाबी तक पहुंचने का संघर्ष स्वयं ही करना पड़ता है। आप अपने लक्ष्य कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। जो भी आपके लक्ष्य हैं इस बायोग्राफी के नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। मुझे पढ़ने का बहुत शौक है। आई लव टू रीड योर कमेंट्स। और अगर आपको लगता है कि इस बायोग्राफी को किसी को शेयर करने से किसी की हेल्प हो सकती है तो आप प्लीज प्लीज जरूर कीजिए। ऐसा करने से बहुत ही अच्छा होगा, क्योंकि जब भी आपको ऐसा लगता है और किसी को जरूरत है और किसी की अगर हेल्प होती है, मेरी एक 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 छोटे से एक मेरे जो एक परिश्रम से अगर किसी की एक छोटी सी हेल्प होती है तो मेरे लिए इससे बड़ी खुशी की क्या बात है। 1989 में दिलीप सांघवी ने आसपास के देशों में भी अपनी दवाइयों के निर्यात की शुरुआत की और ये काम उनकी प्रगति में मील का पत्थर साबित हुआ। 1991 में इन्होंने अपनी कंपनी के लिए एक रिसर्च सेंटर की स्थापना की। 1994 में दिलीप सांघवी ने अपनी कंपनी सन फार्मा का आईपीओ भी निकाल दिया। अपने शुरुआती दिनों के उतार चढ़ाव से ही दिलीप सांघवी को ये समझ आ गया था कि व्यापार करने में खतरा भी है, लेकिन हमेशा से इनका मानना था कि रिस्क इतना कैलकुलेटेड हो कि उससे कंपनी को नुकसान ना पहुंचे। दिलीप सांघवी ने घाटे में चल रही कई कंपनियों को खरीदा। घाटे में चल रही कंपनियों को खरीद लेना दिलीप सांघवी की कामयाबी में एक अहम योगदान रहा। साल 1987 में लेकर 1987 से लेकर आज तक इन्होंने कई घरेलू और विदेशी कंपनियों का अधिग्रहण कर डाला। इनमें 19 से भी अधिक कंपनियां शुमार हैं। इन्होंने सभी घाटे में चल रही कंपनियों में सुधार करके मुनाफा देने वाली कंपनियों में बदल दिया। आज भी इनकी आमदनी का एक बड़ा भाग
इन्हीं अधिग्रहण वाली कंपनियों की देन है। 1987 में इस दवा कारोबारी ने नुकसान में चल रही अमेरिकन कंपनी कैरको फार्मा का अधिग्रहण 5 करोड़ डॉलर में कर डाला। ये डील इनकी अब तक की सबसे बड़ी डील थी। इसी के बाद दिलीप सांघवी ने दो और अमेरिकन फार्मा कंपनियों वैलियंट फार्मा और एबल फार्मा को भी अधिग्रहित किया। इसके बाद इन्होंने इजराइल की एक दवा कंपनी टेरो फार्मा को 45 करोड़ डॉलर में खरीद लिया। आज टेरो फार्मा को खरीदना दिलीप सांघवी का सबसे बड़ा निवेश साबित हो चुका है। तो ये सारी की सारी आप देखिए कि कहाँ से कैसे उन्होंने शुरू किया और कैसे वो यहाँ तक आए। तो कभी भी उन्होंने शुरू की अपनी एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट और शुरू में उनके पास सिर्फ दो कार्यकर्ता थे जो उनके साथ काम करते थे और वो मार्केटिंग का काम करते। तो जैसे हमने बात किया दिलीप सांघवी जी का, और इन्होंने इतना ज्यादा मेहनत करके और ये सारी एक ऊंचाई पर पहुंचे, जो जीरो से लेकर हीरो तक की इनकी जर्नी है, इससे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। क्योंकि हर एक इंसान को अपनी मेहनत के ऊपर, अपने मेहनत के बलबूते पर वो एक बड़ी सफलता हासिल कर सकता है अगर चाहे। तो आज की इस बायोग्राफी से हमने कुछ ना कुछ जरूर सीखा है, और जिसमें मैं उम्मीद करूंगा कि कुछ अगर एक चीज भी आप अगर सीख पाते हैं, और लिखिए कि आपका लक्ष्य क्या है, आपका इंस्पिरेशन क्या है, आपको इस बायोग्राफी से क्या मिला है, आज की इस बायोग्राफी की वीडियो से आपने क्या सीखा, आपका लक्ष्य क्या है, आपने क्या सेट किया है अपना गोल, जरूर बताइए कमेंट बॉक्स में। मैं आपके जो कमेंट्स हैं उनको पढ़ना बहुत पसंद करता हूँ। आई लव टू रीड द कमेंट्स। एंड अगर आपका कोई भी ऐसा टॉपिक है जिस पर आप चाहते हैं, या किसी अन्य सक्सेसफुल लोग की, अन्य किसी सक्सेसफुल पर्सन की आप अगर बायोग्राफी चाहते हैं, तो मैं जरूर लेकर आऊँ, जरूर लेकर आऊँ। तो उसके किसी भी हर एक बायोग्राफी से हम कोई ना कोई एक चीज सीख सकते हैं, एक इंस्पिरेशन ले सकते हैं, और उसे अपने जीवन में उतार कर अपने टैलेंट को बाहर निकालने में वो हमारा सहयोगी हो सकता है। तो आज की ये बायोग्राफी यहीं पर संपन्न होती है, और मैं आपसे गुजारिश करूंगा आते रहिए हर एक बायोग्राफी में। हर एक बायोग्राफी को आप देखिए, अगर आपको कहीं भी ऐसा लगता है कि इस बायोग्राफी से किसी की मदद हो सकती है, तो इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आपसे एक रिक्वेस्ट है। आप अगर लाइक करते हैं तो मेरा उत्साह बढ़ता है, जिससे मैं और भी अच्छी अच्छी वीडियोज आपके लिए लेकर आता हूँ। तो थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी इन दिस लाइव सेशन, एंड मैं आपसे मिलता हूँ कल। गॉड ब्लेस यू।